हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने काम में व्यस्त रहो, यही कामना है मेरी। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिन के बजे हैं 12:30, 12:30 बज चुके हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग अब कर रही हूँ। सारा काम हो गया, मतलब पूरा काम हो गया है सारा, नहाना धोना, पूजा वूजा इस टाइम तो हो ही जाएगा। आप भी बोलोगे कि कैसे बोर बता रही है, जैसे बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि इस टाइम तो सभी का होता है। 12:30 हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं, जो आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, मेरे भतीजे और बहू के घर, जेठानी के घर जा रहे हैं। मतलब जेठानी भी है वहाँ पर, और जेठानी के घर जा रहे हैं, उनके नए घर, गृह प्रवेश की कल आपने वीडियो देखी थी। गृह प्रवेश के मतलब थोड़ी बहुत पूजा जो भी की थी उन्होंने, और तो आज हम उनके घर उनसे मिलने जा रहे हैं नए घर में। तो हमने कहा चलो, हमारे तो पड़ोस में ही रहते हैं, यही पास में। हमने सोचा चलो आज टाइम पास करते हैं उनके नए घर में जाके। उस दिन तो ऐसे ही गए थे पूजा के लिए, तो आज हमने सोचा चलो चलते हैं। तो आपको भी ले चलती हूँ, आप भी चलना वहाँ और बने रहना आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में। मैं तैयार हो गई और ये तैयार नहीं हो रही। समझे, चल रहा है मतलब फोन आ गया और बात पर लगे। और ये देखो फोन पर आ गई और मैं तैयार है क्या, एक घंटा हो गया मुझे तैयार हुए। अब जाके बड़े मुश्किल से तैयार हुए ये। और चलो चलो फिर निकलो फटाफट, चलो हम जा रहे हैं झोई भात के लंच पे। ये हम आ गए हैं, तानिया जा रही है माही को लेने, सोना को लिया ही, सनाया को लिया ही, माही को लेने अब जा रही है। बहुत आराम हो गया वहाँ से, दो घंटे, एक घंटा लगता था, अब आराम हो गया उसको। ये सोना को बहुत, सनाया को बहुत मज़ा आ रहा ना। कहाँ जा रही फिर? आपके बुक्स लेने जा रही हैं? ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था। ये है सनाया, ये सब सेटिंग कर दी इन्होंने, तो क्या बढ़िया कर दिया सेटिंग। तो जरा लाइट जला के दिखाती हूँ आपको भी इनकी सेटिंग। ओए गजब, ये लाइट तो मैंने हाथ देखी है वाली, सरफेस भी लगाई है लाइट, अच्छी लग रही है लाइट। ये है किसका कमरा है सोना? ये मम्मा पापा। ये डॉल हाउस भी आपके पास? टेंट, टेंट हाउस। अच्छा अच्छा हाँ, टेंट हाउस बोलते हैं इसको। अच्छा, कितना सुंदर टेंट हाउस है। देखो सनाया अंदर बैठ गई है टेंट हाउस के अंदर। कौन सी टूटी है? ओहो, स्टिक टूट गई। लेकिन स्टिक ना हमने तब भी लगा रखी है कॉर्नर में। ओहो, तब भी लगा रखी है? हाँ, तब भी लगा रखी है। वाह यार, किसका माइंड है ये? क्या, किसके माइंड से लगाए है तब भी टूटी हुई स्टिक? किसके माइंड ने लगाई है? कल तो वो मारी दिन ने लगाई थी, लेकिन आज टूट गई थी ना, तो मैंने। वेरी गुड, आप तो दोनों इंटेलिजेंट बच्ची हो ना। कितना सुंदर घर सजा रखा है, किसने सजाया सोना? ये हाँ, ये घर किसने सजाया इतना अच्छा? मम्मा पापा ने। अरे वाह, अभी इनको आए हुए 2 दिन हो रहे हैं और इन्होंने घर की पूरी सेटिंग कर दी है। सामान अभी बाहर पड़ा हुआ है, कितना सुंदर सजा दिया। सोना तो बहुत खुश है यहाँ आके, है ना सनाया? आप बहुत खुश हो ना। चलो अब चलते हैं दूसरे रूम में, तीसरे रूम में, दूसरा तो ये है, तीसरे रूम में चलते हैं। ये है दादी का रूम। अच्छा, दादी का और सोना और सनाया और माही का। हाँ। अच्छा अच्छा, दादी और बच्चों का रूम है ये, और ये भी सजा दिया है बहुत अच्छी तरह से। कितना सुंदर प्यारा मंदिर लाए हैं ये, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर तो। वेरी गुड, कितना सुंदर। अभी मंदिर अभी मतलब लगाए नहीं है, भगवान जी अभी आए नहीं है वहाँ से, वहीं हैं भगवान जी अपने पुराने वाले घर में, और मंदिर ले आए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। ये कबर्ड कितना सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छा, मस्त एकदम। अभी सामान जगह जगह पैकेट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि होता ही है भाई, 1-2 महीने लग जाते हैं पूरा घर का सामान सेट करने में। और यह है किचन। किचन में तुम्हें घाम बहुत आ यार, तुम सर्दी में बढ़िया हो गए हो। ये बिना लाइट है तो बढ़िया हारा देखो थे। और यहाँ बन रहा है भात, झोई बना रहे भाई, गजब यम्मी। मैं अब घर में आज कभी आई, मेरे को झोई और भात कहाँ जानी हम मेरे को यहाँ मिल के चिरगाड़ी, क्योंकि हम लोग ना दाल भात पसंद नहीं करते, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है दाल भात। दाल भात खाते खाते दिमाग ख़राब हो जाता है। झोई भात, चिरगाड़ी भात और डुबके भात, यही सब पसंद है। ये जगह जगह भी सामान पड़ा है, अभी सेटिंग नहीं करी है, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आएगा डाइनिंग टेबल,
ये फ्रीजर लीजिए, तुम बड़े जा रहे हो। लाइट कहाँ पूछ जलाओ ये। हाँ ये वाला कोई हो, यहाँ भी तो एक बल्ब है, एक बल्ब यहाँ भी तो है। अच्छा हाँ सही बात है, अभी नया नया है तो ये यहाँ भी पैकेट्स पड़े हैं। फ्रिज फ्रिज की जगह बिल्कुल सेट हो गई ना, बहुत बहुत बढ़िया जगह में आया है फ्रिज। हाँ किचन खूब बड़ा बना रखा, बढ़िया हमारी तरफ खूब अच्छा किचन बना है, मज़ा आ गया किचन को देख के। किचन में खूब सब खुला खुला होना चाहिए, अच्छा रहता है काम वाम करने के लिए। अच्छा जो ये कौन सी वाली, पर्पल वाली पिंक वाली? तो गाइज पर्पल वाली जो बोतल है ये है सनाया की, और पिंक वाली पुरानी है, पर्पल वाली नई है ना। हाँ अब मैं बोलने जा रही हूँ क्योंकि ना वो वाली बहुत लीक करती है। बहुत लीक करती है? लीक करती है। हाँ, जब तैयार रखती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, मजा आ गया ना अब तो। हाँ लेकिन कल मैंने बॉल ली थी। कल आपने बॉल ली थी? अच्छा, और पापा कहाँ गए आपके? पापा हाँ ऑफिस। ये है वॉशरूम, अटैच टॉयलेट बाथरूम है ये। ये है वॉशरूम, हाँ टॉयलेट भी है और बाथरूम भी है ना, अटैच टॉयलेट बाथरूम है। बहुत अच्छा बना रखा है ये, सुंदर एकदम, अति सुंदर। दीपू ने बहुत कारीगरी करी है भैया इसमें, भैया इसमें दीपू ने बहुत कारीगरी करी है। हाँ वॉशरूम वो भी है, ये भी है ना। हाँ ये एक वॉशरूम ये है, और ये यहाँ पर वॉश बेसन भी बड़ा सुंदर लगा रखा है, बहुत बढ़िया। अभी काम चल ही रहा है, अभी देखो यहाँ हैंडल नहीं लगे इसके, अभी काम चल रहा है, अभी लकड़ी का काम है थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी टीवी पैनल अभी हुआ नहीं है। जब टीवी पैनल बन जाएगा तभी टीवी लाएंगे, टीवी अभी वहीं पड़ा है। तो एक दिन फिर से आपको फाइनल लुक दिखाया जाएगा इसका, तो फिर से मिलते हैं आपसे है ना थोड़ी देर के बाद। अब हम क्या खाएंगे? भात। क्या खाएंगे? भात। और चुरकानी, चुरकानी बोलना आता आपको? बोलो चुरकानी, बोलो फिर बोलो तो सही। बेबी को चुरकानी बोलना नहीं आता बेचारी, वो बोल नहीं पा रही है। बहुत ही साफ सुथरा करके रखा है, इतना सुंदर बना रखा है, और दो दिन हो रहे हैं आए हुए, और बहुत मेहनत करते हैं ये। यो नाया ने तो अपनी बातें कह दी हैं, अब माही बताएंगे। माही आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो और कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सलवान पब्लिक स्कूल। नहीं इंटरनेशनल है, उनका पब्लिक स्कूल है। सनाया ने तो बहुत अच्छा बोला आज मेरे ब्लॉग में, छनाया गुड गर्ल है। छनाया और कुछ बोलोगी? अच्छा माही आपके टीचर का नाम क्या है? पूनम मैम। अच्छा और आपको स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती है क्लासेस के अलावा? गेम्स पीरियड में क्या करवाते हैं? अच्छा कोई स्पोर्ट्स का लिया आपने? क्या लिया है? योगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है योगा करना, ठीक है। और बैडमिंटन लेना चाहिए, अच्छा होता है बैडमिंटन खेलना, वॉलीबॉल खेलना। क्लैपिंग, ये इनका भी मन कर रहा है, तुम्हारा भी मन कर रहा है ना स्कूल जाने को बच्चों को देख के? मेरे को तो मन कर रहा है यार बच्चों के साथ स्कूल जाने का। ये नए नए मकान में आए हैं बच्चे, बहुत खुश हो रहे हैं, और इनका स्कूल पड़ गया पास। इनके स्कूल के लिए ही इनके मम्मी पापा ने स्कूल के लिए ही अपना घर चेंज किया ये। तो अब बच्चों इनको बहुत परेशानी हो रही थी, अब इनको आराम मिल गया। ओ गजब, आपको चलने की आदत हो जाएगी। हाँ अच्छा, और अब तो पैदल आ जाती हूँ घर तक, क्योंकि इनका स्कूल अब तो इनका स्कूल 500 मीटर पे है, 500 मीटर है ना, 500 मीटर है ना, कितना ही होगा? हाँ अब तो इनका स्कूल हो चुका है 500 मीटर की दूरी पे, और पहले इनका स्कूल था 1.5 किलोमीटर की दूरी पे।
तो बच्चों के आ गए मजे, पास आ गए बच्चे। बहुत खुश हैं कि हम अपने स्कूल के पास आ गए, और इसी खुशी में बच्चे झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। नीचे वाले पार्क में ये, इसलिए तो तुम आए यहाँ है ना। हाँ, अब इनके घर के बाहर ही यहाँ से दिख रहा है पार्क है नीचे। आइए मैं दिखाऊंगी आपको इनके घर के नीचे का पार्क, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। बेटा वहाँ पे ना वो करी होगी, पानी पाइप से डाला होगा ना पेड़ों में, इसलिए हाँ रेक्टेंगल हो गया था। ओ गजब, बीना को मैंने बुलाया है चाय पीने के लिए, चाय पी ली है, चाय बनाई है तानिया ने। बॉल ढूंढने जा रहे हैं, बॉल ढूंढने जा रहे हैं। बच्चे गए हैं पार्क में खेलने, हाँ तानिया हाँ। लो ये है क्रिकेटर, ये हमारी विपक्ष टीम की कीपर थी, इन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग की है। सेकंड नंबर पे आई हूँ, सेकंड नंबर पे आई हूँ मैं। ये हमारी अपोजिट टीम की वो थी कीपर, इतने कैच किए ना इन्हें हमारी टीम के साथ, बहुत वो किया कैच कर करके हमारे टीम वालों को हराया इन्होंने। नहीं हमारी टीम को नहीं हराया, पीले वाले को हराया। एनर्जी भरना लगी ठीक से पट्टे रखो ना वहाँ डाल में सामने का वो नहर में, हाँ नहर में बच्चे चले गए खेलने नीचे। घर के आगे पार्क है बहुत अच्छा बढ़िया वाला, बच्चे उधर खेल रहे हैं दोनों, सनाया और माही। ये इनके बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे। घर के नीचे पार्क भी है बहुत अच्छा, इधर तो ग्रीनरी कर रखी है, उधर खेलने वाला है। अच्छा हो गया बच्चों का खेलने का, बहुत खुश हैं बच्चे यहाँ। ये मालिक साहब यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, ये असली मालिक तो ये है यहाँ के ना, इनको सब यहाँ मालिक समझ रहे हैं, बेचारे 3 महीने से यहीं थे। ये सो के उठे मोड़ रहे तमड़ो जो, हाँ चलो फिर अब चलते हैं घर को, घर जाके मिलती हूँ फिर।